आगरा शहर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दिया लव जिहाद को पूर्णतः समाप्त करने को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा बनाया गया कानून बनकर अमल में लाने के संदर्भ में आगरा के जिलाधिकारी गौरव दयाल को दिया ज्ञापन। साथ में रहे मुन्ना बजरंगी, राष्ट्रीय प्रभारी संगठन मंत्री अज्जू चौहान, राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष शर्मा, जिला अध्यक्ष मुकुल मिश्रा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। इनका कहना है कि लव जिहाद पर अंकुश लगाने हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, जिसका अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा समर्थन किया जाता है। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से किसी हद तक लव जिहाद की घटना में भी कमी पाई है। पूर्णतः लव जिहाद की घटनाएं समाप्त नहीं हुई, जिसके लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा, आज आपने जो ज्ञापन दिया है, क्या है ये? देखिए, जैसा कि मैंने पहले से आप लोगों को पता है कि लव जिहाद एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत लगभग 1,00,000 हिंदू लड़कियां हर साल भगाई जाती हैं और उनका कोई पता नहीं चलता है। जब उनका पता चलता है तो वो या तो दिल्ली या मुंबई की बदनाम गलियों में मिलती हैं जाकर के, या उनका पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता है और अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा ये मांग की जाती है कि लव जिहाद के लिए एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। आपने जो आगरा शहर में जो अभी अपर जिलाधिकारी पर जो ज्ञापन दिया है लव जिहाद के बारे में, क्या है ये मैटर, क्या है ये? देखिए, लव जिहाद एक ऐसी व्यवस्था है जो हिंदुओं के जनसंख्या अनुपात को घटा रहा है और अखिल भारत हिंदू महासभा किसी भी समस्या के लिए केवल चीखने चिल्लाने के बजाय उसका निराकरण में करने में विश्वास करती है। और लव जिहाद का एक सबूल नाश करने के लिए हिंदू महासभा ने एक एंटी लव जिहाद एक्ट नाम से कानून की प्रस्तावना बना करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी के समक्ष रखी है। और आदित्यनाथ जी पर हिंदू महासभा इसलिए विश्वास करती है कि लव जिहाद के मुद्दे को यूपी के उपचुनाव में आदित्य योगी नाथ जी ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया था और एंटी रोमियो स्क्वाड भी जो उन्होंने गठित की वो लव जिहाद को रोकने के उद्देश्य से की। और हिंदू महासभा ने अब उनके समक्ष ये कानून रखा है कि आप इस कानून के तहत इस प्रस्तावना के तहत हिंदू महासभा की भावनाओं के अनुरूप जो तथ्य और जो औपचारिकताएँ बताई गई हैं उनको एक कानून की शक्ल में डाल करके प्रदेश में लागू करें, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाओं का समूल नाश हो जाए। आपका नाम क्या है? मैं संतोष शर्मा। जी जी, लव जिहाद के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि अभी अभी दिल्ली से आए हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री हमारे माननीय मुकुल मिश्रा जी ने जो कानून के लिए सरकार को जो आग्रह किया है और जो पत्र लिखा है, सरकार को मैं समझता हूँ गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए और कम से कम समय में इसे फॉलो करना चाहिए, अन्यथा हिंदू महासभा अपने तरीके से आंदोलन करेगी और अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा तो वो ज़रूर करेगी और करेंगे।